नमस्कार, आज मैं आप सब लोगों से एक कहानी शेयर करूंगी। इस कहानी में एक बूढ़ी औरत जिसने अपनी लाइफ को पूरा करके, पूरे साल का अपनी लाइफ के खत्म करके वो यमलोक पहुंचती है। अब यमलोक में यमराज होता है। यमराज उसके जीवन में जो उसने कर्म किए थे उसका लेखा जोखा देखते हैं। भाई उसने कितने अच्छे कर्म किए कितने खराब, उसी के हिसाब से तो तय किया जाएगा कि उसको नर्क भेजा जाए या फिर स्वर्ग। अब जब यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा किया तो क्या पाया कि दोनों एक समान हैं। इस लेडी ने, उस औरत ने जितने खराब कर्म किए थे उतने ही अच्छे कर्म भी किए थे। अब यमराज तो हो गए कंफ्यूज, क्या किया जाए भाई, इसके अच्छे कर्म भी उतने ही है, खराब कर्म भी उतने ही है, कैसे डिसाइड किया जाए कि इसको कहाँ भेजेंगे। बहुत सोचने के बाद यमराज ने सोचा कि क्यों ना मैं इस औरत से ही पूछ लूं कि ये कहाँ जाना चाहती है, उसको वही भेज देंगे। अब जब उस लेडी को, उस बूढ़ी औरत को चॉइस मिली कि वो यमराज, वो स्वर्ग जाना चाहती है नर्क, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं दोनों जगह पहले देख लूं और उसके बाद डिसाइड करूं। उसने अपने थॉट को अपने यमराज के आगे रखा कि मैं दोनों जगह देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। अब यमराज जी के असिस्टेंट आए, उस बूढ़ी औरत को दोनों जगह के दर्शन कराने के लिए निकल पड़े। वो सबसे पहले पहुंचे नरकलोक। नरकलोक जब पहुंचे तो देखा एक बड़ा सा काले रंग का दरवाजा है। वो दरवाजा जब खुलता है तो उसके अंदर क्या, एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल जिसमें बहुत सारा खाना, डिफरेंट वैरायटी खाने की, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम वेल डेकोरेटेड। जब उस लेडी ने नजर घुमाई तो देखा कि वहां के बैठे, यानी कि उस टेबल की चेयर पे जो बैठे लोग हैं वो एकदम सूखे, बेजान, उनके शरीरों में जान नहीं थी, आंखों में चमक नहीं थी। तो उसने पूछा कि यमराज के जो असिस्टेंट थे उनसे पूछा कि क्या कारण है कि इतना अच्छा खाना होने के बाद भी इतने कुपोषित, इतने परेशान नजर आ रहे हैं, इतने दुखी नजर आ रहे हैं। यमराज के असिस्टेंट ने बोला कि आप ध्यान से देखिए, जो इनके हाथ है उस हाथ की जगह पर दो लकड़ी के स्टिक्स हैं, जिसकी वजह से वो अपने मुंह में वो निवाला अपने हाथ से उठा के नहीं डाल सकते, अपने हाथ को फोल्ड नहीं कर सकते। यही कारण है कि ये लोग बहुत दुखी हैं। अब बूढ़ी औरत ने कहा, चलो भाई नर्क के दर्शन तो हो गए, अब स्वर्ग भी चल के देख लेते हैं। अब जब स्वर्ग पहुंचे तो बाहर क्या देखा, वैसा ही एक बड़ा सा दरवाजा। दरवाजा खुलता है, वो अंदर घुसती है और क्या देखती है, एकदम सेम वही टेबल, वही वेल डेकोरेटेड सी टेबल, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ खाना जिसमें बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, एकदम वेल डेकोरेटेड, फूल थे, ड्रिंक्स थी, सब कुछ था। बट वहां के लोग एकदम खुश, आंखों में चमक, एकदम हेल्दी, हंसते खेलते, जोक सुनाते एक दूसरे को, एकदम आपस में एकदम मग्न खुश। और जब उसने उनके हाथ को देखा तो वही दो डंडिया, यानी कि वही लकड़ी की स्टिक। तो क्या रीजन है, यही सीन जो नर्क में था वही सीन स्वर्ग में है, पर वहां के लोग तो इतने दुखी, पर यहाँ के लोग इतने खुश कैसे हैं? उस लेडी ने यमराज के असिस्टेंट से ये बात पूछी तो उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग इतने खुश रहते हैं कि इन्होंने अपनी खुशी की जगह एक दूसरे की खुशी को भी अपना खुशी मान लिया है। जिस लकड़ी के हाथों से ये अपने मुंह में निवाला नहीं डाल सकते, इन लोगों ने उसका सलूशन ये निकाला कि उन्हीं हाथों से एक दूसरे के मुंह में खाना डाल देते हैं। यही कारण है कि इतने खुश रहते हैं, आपस में इतने मग्न रहते हैं, ये हमेशा मौज में रहते हैं। तो आपने देखा, जिंदगी ऐसी ही है। यूं तो जिंदा तो सब है, पर जीता वही है जिसके जिंदगी में मौज है, मस्ती है, एंटरटेनमेंट है, फन है, रिक्रिएशन है। अगर ये वर्ड्स, ये एंजॉयमेंट, ये फन, ये मौज, ये मस्ती आपकी लाइफ में ना होना तो जिंदगी एकदम बेस्वाद सी लगती है। तो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ कि कैसे वैदिक साइंसेस, यानी कि आपके घर में जो आपका स्पेस है उसमें अगर किसी जोन में कुछ इम्बैलेंस हो तो ये मौज मस्ती जिसके आप लोग हकदार हैं आपको ठीक से नहीं मिलती और ये जीवन आपको बेरंग सा लगने लगता है। महावास्तु में 16 दिशाओं में से एक दिशा होती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की,
जो कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में फॉल करती है। इस जोन को हम जोन ऑफ फन एंड रिक्रिएशन कहते हैं, क्योंकि ये एयर की होती है। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से सफेद या ग्रे कलर आ जाए, या फिर लोहा आ जाए, बहुत मेटल आ जाए, या कोई टॉयलेट सीट हो, तो इस जोन को इम्बैलेंस स्टेट में आना पड़ता है या आ जाती है। या फिर इस जोन के दिशा बल यानी कि जोनल स्ट्रेंथ बाकी जोन से कंपैरेटिवली कम हो या ज्यादा हो तो भी ये इम्बैलेंस रहती है। अगर आपके जीवन में भी इस वीडियो को देख के आपको लगता है कि हाँ भाई हमारे जीवन में भी वो फन एंड वो रिक्रिएशन, वो हंसी, वो खुशी मिसिंग है, तो प्लीज अपने अपने घरों में अपने करके ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन को देखिए। डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई इम्बैलेंस मिलेगा। अब इम्बैलेंस को कैसे ट्रीट करें? अगर व्हाइट या ग्रे कलर है तो हटा के उसको वहां पे हरा पेंट करा दो। अगर टॉयलेट सीट है तो ग्रीन कलर की टेप से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए उस हंसी, उस खुशी, उस इंजॉयमेंट की जिसके हम सब लोग हकदार हैं, हर एक ह्यूमन हकदार है, क्यों एक अपने घर को, अपने स्पेस को मौका दें कि हमको वो चीज पूरी तरीके से ना मिले। तो आप सब लोग अपने अपने घरों के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को देख के उसको ठीक कीजिए और एक खुशी भरी जिंदगी का आनंद लीजिए। धन्यवाद।